आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जेई 2023 की जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें जो जीके के क्वेश्चन थे वो कितने किस टॉपिक से आए थे, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी जेई 2023 की जो प्री की परीक्षा थी वो 3 शिफ्टों में हुई थी और पर शिफ्ट में जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से सारे सभी क्वेश्चन जो हुए वो 450 क्वेश्चन हुए। इसमें हमारा पूरा सर्वे था। तो चलिए शुरू करते हैं, ये जानते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से देखिए आए थे 45 क्वेश्चन, 450 में से 50 क्वेश्चन पर शिफ्ट और 9 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था, यानी कि आए थे 450 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तीनों का मिला के मैं बता रहा हूँ 45 क्वेश्चन, यानी कि एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हुए थे। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, इस इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, जैसे मैंने जियोग्राफी सब्जेक्ट को और इन्वायरमेंट को एक में रखा हुआ है, इससे आता है 68 क्वेश्चन, यानी कि 7.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट लगभग आए हुए थे। देखिए ये जो पोर्शन था इन्वायरमेंट का वो काफ़ी कठिन पोर्शन था और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, बहुत टफ क्वेश्चन दिख रहे थे। अगले सब्जेक्ट की बात करें पॉलिटी, पॉलिटी से आपके आए थे 43 क्वेश्चन, सभी 9 शिफ्टों में मिला के, यानी कि लगभग 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए हुए थे। और पॉलिटी क्वेश्चन बड़े इजी थे, अगर आप आसानी से कभी पढ़े हो तो आसानी से हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन इजी थे। इकोनॉमिक्स और योजना, इकोनॉमिक्स और योजना मैंने एक साथ रखी हुई है, आए थे आपके 42 क्वेश्चन 450 में से, यानी कि 4.6 क्वेश्चन पर शिफ्ट वाइज आए हुए थे। योजनाएं काफ़ी टफ आई हुई थी, इवन काफ़ी पुरानी पुरानी भी योजनाएँ दिख रही थी। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल के थे। बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के आए थे 32 क्वेश्चन, 3.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट के आसपास। फिजिक्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हुए थे, केमिस्ट्री के 42 क्वेश्चन आए हुए थे। इस हिसाब से 4.6 क्वेश्चन पर शिफ्ट केमिस्ट्री के, 42 क्वेश्चन। अब बात करते करंट अफेयर्स की, दोस्तों करंट अफेयर 2021 का जो करंट अफेयर था इस पेपर में 11 क्वेश्चन आए हुए थे 2021 के करंट अफेयर की। जैसा कि आपको पता होगा पेपर जो है 2023 का वो अक्टूबर के माह में हुआ था और 2021 का करंट पूछा था, अक्टूबर 23 में पेपर, 2 साल पहले का करंट अफेयर पूछा था, लेकिन सिर्फ 11 क्वेश्चन थे, यानी कि लगभग पर शिफ्ट 1 क्वेश्चन आया हुआ था। कह नहीं सकते किसी किसी में 2 क्वेश्चन भी था, किसी किसी में 1 क्वेश्चन या फिर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था। 22 और 23 पूरे ईयर 2022 के और 2023 के मार्च तक का करंट अफेयर आया था, एक आध क्वेश्चन मार्च के भी थे जो काफ़ी कम थे, लेकिन मार्च तक टच किया था उन्होंने, यानी कि अगर मैं बात करूँ अक्टूबर में पेपर हुआ, मार्च तक 2023 तक ये करंट अफेयर आए, इस हिसाब से वो लगभग 6 महीने पहले का करंट अफेयर पूछे थे, उसके बाद का नहीं पूछे थे। इससे आते 51 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 5.6 क्वेश्चन, यानी लगभग 6 क्वेश्चन पर शिफ्ट करंट अफेयर के थे 22 और 23 के मिला के, जबकि 23 मार्च तक ही का क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक जी के सबसे बड़ा पोर्शन बन के आया था, 82 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा पूछे गए थे सभी 9 शिफ्टों में मिला के, यानी कि लगभग 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन पर शिफ्ट। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन था दोस्तों वो काफ़ी लंबा होता है, इसमें शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत ये सभी हैं, जो कि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कहाँ से तैयार करना है। सेंसस क्वेश्चन जो सेंसस यानी कि जनसंख्या या फिर जनगणना के जो क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन आए हुए थे सभी 9 शिफ्टों में, यानी कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछा गया था इस प्री की परीक्षा में। इन सभी एनालिसिस में ये भी आपको जानना जरूरी है कि जरूर नहीं कि जितना मैंने बताया पर क्वेश्चन शिफ्ट आए थे, जरूर नहीं किसी में 2 भी थे, किसी में 3 भी थे, किसी में 6 से 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री के एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी कठिन में मैं कह सकता हूँ, ऐसा पूछा था कि मौर्य प्रशासन में सेना की जिम्मेदारी कितने लोगों को दी गई थी, जो कि काफ़ी कठिन क्वेश्चन हो जाता है। तो और मैं इस वीडियो में आपको डालने की कोशिश नहीं की गई है, बस ये बताना उद्देश्य था। क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आए थे, जो बच्चा 15 से 20 नंबर भी स्कोर कर रहा था इस पोर्शन में, जीके के पोर्शन में, ठीक ठाक जीएस उनकी तैयार थी, ठीक ठाक एवरेज लेवल, 25 तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो अगर मैं फिर से दोबारा पढ़ दूँगा आपके लिए, तो हिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ मिला के 68 क्वेश्चन, पॉलिटी के 43 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और योजना के 42 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 32, फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 42, 21 2021 के करंट अफेयर 11 क्वेश्चन थे, 22 और 23 23 मार्च तक के करंट अफेयर 51 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके के 82 क्वेश्चन थे या उससे ज़्यादा, सेंसस के 17 क्वेश्चन थे। अब आप इस सभी सभी क्वेश्चनों की इस एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हैं जो एसएससी जी 2023 का जो पेपर है वो आपको किस हिसाब से तैयार, 2024 का जो पेपर है वो किस हिसाब से आप तैयार करें जीके,
ताकि का अच्छा स्कोर आप कर सके। जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, तो प्री और मेंस दोनों सेम पैटर्न पे होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर आप प्री में बढ़त बना लेंगे तो ऑब्वियस है आपको मेंस में फायदा होगा। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे जो सब्जेक्ट है, ये सॉरी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो किस यूट्यूब चैनल से फ्री में आप कवर कर सकते हैं, और सभी चीजें फ्री में बताई जाएंगी।